मोटे इकट्ठा हो काहे लिए छोड़ रहे हो नंबर धीरेन्द्र का नंबर दिए तो कहा ले क्या नाम है किस लिए जानवर छोड़े गए हैं किस लिए छोड़ दे रहे हो ये खा रहे हैं बात ले अरे सब बम लाला छोड़ गया सही करता सही करता सही वीडियो बना सकते हैं यहां 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 सब जने यहां दो दिन पहले 60 जानवर ज्यादा है ज्यादा गाय भैंस वगैरह नुकसान से तो हाँक रहा है आदमी उसमें भाई यहाँ खेती नहीं होगी तो हम भी तो कह रहे हैं हाँकी ना उसको हम तो आपके साथ तो आप उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं डेली आ रहे हैं ये कहते हैं यहाँ तक खत्म हो जाएगा यहाँ खत्म हो जाएंगे छापा अलग मार रहे हो सब लोग यही कह रहे हैं पुलिस चौकी से आ रही है गाय और दूसरे दिन गांव में जो छापा मारा जा रहा है ये किस आ रही है गाय पता नहीं कहाँ से आ रही है गाय चौकी की तरफ से आ रही है गाय धम्मौर उधर से आ रही है कोई मतलब नहीं है बताइए नहीं हम लोग सब जान रहे हैं सब हम लोग कल भेजे हैं सब हो रहा है सब जान रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है 25 गाड़ी भैंस को ले रहे हैं वो आप लोग पैसा दे रहे हैं सब कैसे वाले ले रहे हैं पर छूटे हैं नहीं तो हम नहीं आप आदमी नहीं बच आपका तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होगा भगवान करे हमारा ट्रांसफर हां आपको बहुत जल्दी हम लगे हैं बहुत जल्दी और जो कह रहे हैं आप हम बहुत ज्यादा लगे हैं ये बताइए बिल्लू भाई कि गौ रक्षा को लेकर आपका संगठन बिहिप और हिंदू युवा वाहिनी काफी हो हल्ला कर चुकी है तमाम बवाल भी हो चुका है इसको लेकर अभी देखा जा रहा है कि कुछ भगवादारी गोवंश को रोड पर छोड़ दे रहे हैं उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है इस पे आप क्या कहना है देखिए जैसे पूर्व में हम लोग का यही प्रमुख मुद्दा ही रहा है सरकार बनने से पहले कि गाय माता क्योंकि गाय को हम अपनी माँ मानते हैं तो गाय की रक्षा हमारा धर्म है सरकार का धर्म है इसी बेस पे हमने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है और श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाती है और ये जो भगवा वाला जो आजकल चल रहा है ये कुछ अराजक लोग हैं जो इस टाइप की मानसिकता जो मतलब भेदभाव करके शहर का प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार को मतलब एक संगठन के नाते मैं सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं चाहूंगा कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे पूर्व में मतलब भविष्य में ऐसी मतलब घटनाएं जो ना होने पाए इसका हिंदू युवानी घोर विरोध करती है और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए।